और वहीं सदन में लेखानुदान तो पास कर दिया गया, मगर इससे पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर महंगाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। इसी दौरान हंगामा हुआ और फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया गया। देखिए तस्वीरें भी आपको कल की दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे, देहरादून से महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा होगा और हल्ला बोलेगी कांग्रेस। देखिए डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। जिला विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। तो अब जब मंत्री कामकाज विधिवत रूप से आज संभालने जा रहे हैं तो देखिए विपक्ष भी अपना मोर्चा अब संभाल रहा है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे इस खबर पर। पंकज देखिए महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर कई बार दिखाई दी है, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्या पूरा प्लान कांग्रेस का है? अजय देखिए देशव्यापी आंदोलन है कांग्रेस का ये, और देश में पूरी तरह से महंगाई मुक्त अभियान के तहत पूरे देश भर में ये आंदोलन कांग्रेस का चल रहा है। और उसी कड़ी में आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर ये प्रदर्शन करने जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी लगातार महंगाई उनकी बढ़ रही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दाल चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरी तरह से प्रदेश भर में ये आंदोलन किया जाएगा। सभी जिला इकाइयों को कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि सभी जिला इकाइयों पर बड़े स्तर पर यह आंदोलन किया जाना चाहिए। इसमें खास बात यह रहेगी कि सिलेंडर को, गैस सिलेंडर को लेकर इसमें प्रदर्शन बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गैस सिलेंडर को माला पहनाकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह से पिछले दौरान भी एक प्रदर्शन महिला मोर्चे ने किया था कि एक स्कूटर को उन्होंने एक थैली पर रखकर पूरे शहर भर में घुमाया था, उसी तरह से यह प्रदर्शन भी आज होने जा रहा है। तो देशव्यापी आंदोलन के तहत ही कांग्रेस का ये उत्तराखंड में आंदोलन होने जा रहा है। कल भी विधानसभा में देखा कि किस तरह से महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने लगातार हल्ला बोला है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा है ये महंगाई का। इसके अलावा दूसरा कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से बुनाने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में प्रदेश भर में आज कांग्रेस का ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम।